नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं ITI वाले बच्चों के लिए फिर एक अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी लेकर आया हूं, वो भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड में वेस्टर्न रेलवे में जो है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई है अभी। तो उसके लिए मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि इसका नोटिफिकेशन भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जो है 27/6/2023 से स्टार्ट होगी आपकी, 27 जून से जो है स्टार्ट होगी और 26 जुलाई तक जो है इसकी क्लोजिंग डेट है। तो आप जो है समय मत छोड़िए, यदि आपको अप्रेंटिसशिप करनी है रेलवे में तो रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने के लिए आप जो है इसका जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को ओपन करने के बाद अप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लोजिंग डेट से पहले जो है इसको अप्लाई करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी कैंडिडेट्स ITI करने के बाद अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो करा ले, क्योंकि अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर देखिए एज जो क्राइटेरिया है एज का, तो उसमें जो है 15 से 24 साल की एज यदि आपकी है तब तो आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो SC कैंडिडेट्स हैं, SC ST कैंडिडेट्स, उनको 5 साल की छूट मिलेगी और जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल की यहाँ पर छूट मिलेगी। PWD वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी, यहाँ पर वो कैंडिडेट इसमें फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो फार्म होगा वो ऑनलाइन तरीके से भरा जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए विभिन्न ट्रेडों का जो है यहाँ पर इन्होंने विभिन्न व्यवसाय विभिन्न ट्रेड यहाँ पर मांग रखी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी जिसने ऑलरेडी जो है इस अप्रेंटिसशिप को कर चुके हैं वो कैंडिडेट्स इस पर अप्लाई नहीं करेंगे। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ 10th में 50% अंक यदि आपके हैं तब तो इस फार्म को अप्लाई करिए, वैसे इस फार्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर NCVT चाहे SCVT कोई भी बोर्ड से आपने ITI कर रखी है या प्राइवेट से या गवर्नमेंट से, तो आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि प्राइवेट से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने किया है तो आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ITI के ट्रेड्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पर जिन ट्रेडों के लिए यहाँ पर मांग रखा है, ये फिटर है, वेल्डर है, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर जनरल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, प्रोग्रामिंग सिस्टम और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन और मैकेनिक मतलब RAC, पाइप फिटर और प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, स्टेनोग्राफर, 17 ट्रेडों इन्होंने स्टेट्स इन्होंने मांग रखी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कराने के लिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स हाई स्कूल में 50% अंक से कम है तो फार्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कैंडिडेट्स जो भी कैंडिडेट्स इसको फॉर्म को अप्लाई करता है उसके लिए यहां जनरल और OBC के लिए यहां पर जो है एप्लीकेशन फीस है 100 रुपये और SC ST और PWD ओमेन कैंडिडेट्स जो भी अप्लाई करेगी तो वो कैंडिडेट्स जो है इसमें फ़ीस उसको नहीं पड़ेगी, उसके लिए फ़ीस जो है नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो है इसमें अलग अलग क्राइटेरिया में जो है आपको अलग अलग पोस्ट पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको लगभग डिटेल आपको दे दिया हूं मैं। इसके बाद मैं आपको एक फिर पुनः आपको बताना चाहता हूं कि जो भी कैंडिडेट्स यदि ITI कैंडिडेट्स है वो 27 तारीख के बाद इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। 27 तारीख को 11 बजे से इसका फॉर्म ओपन होगा और उसके बाद 26/7/2023 में इसका फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो आप कोई भी जो भी कैंडिडेट्स ITI कैंडिडेट्स है वो इस फार्म को अप्लाई करना चाहता है, अप्रेंटिसशिप करना चाहता है तो फार्म को अप्लाई करें। और इसका नोटिफिकेशन जैसे भी फार्म इसका आता है मैं आपको बताता हूं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इसके बाद जो भी कैंडिडेट्स इसको भरना चाहता है वो तैयार रहे, क्योंकि ऑनलाइन तरीके से जो है इसका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। और यहाँ पर इसका लिंक भी दिया हुआ है, ये देखिए इस लिंक को ओपन करने के बाद आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फिर एक नई वैकेंसी के साथ फिर से आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।